हाय मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? सभी लोग को नमस्कार। सब लोग अच्छे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग अच्छे से रहें, सभी लोग सलामत रहें, खुश रहें। हम लोग पिछली वीडियो में पार्टनरशिप पढ़े थे, अब एलिगेशन है मिश्रण। मिश्रण में सबसे पहले हम लोग कुछ इसका जो थॉट है वो देखेंगे, ठीक है? तो मिश्रण में देखिए, आपको यह पहचानना है कि पहला मान कौन सा होता है, पहला मान, फिर दूसरा मान कौन सा होता है, ठीक है? दूसरा मान कौन सा होता है, औसत मान कौन सा है, ठीक? पहला मान कौन सा है, दूसरा मान कौन सा है, औसत मान कौन सा है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब इसमें से पहचानना है, चलिए पहले इसको समझिए। ये दोनों में जो ज्यादा होगा, यहां लिखना है पहला मान, यहां दूसरा मान, बीच में औसत मान, तो पूरे मिश्रण का जो मान होगा वही औसत मान कहलाएगा। मैं बतला दूंगा आपको कि औसत मान कैसे पहचानेंगे। अब है ये दोनों में जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला को घटाकर यहां लिखेंगे, ठीक है? ये दोनों में जो ज्यादा होगा, ये अगर 10 होगा, ये 12 है, तो 12 में से 10 घटाएंगे। अगर ई 12 है, ई 10 है, तो 12 में से ई 10 घटाएंगे ना। तो दोनों में से जो ज्यादा हो कम वाला को घटाकर यहां लिखेंगे। ई दोनों में से घटाकर कहां लिखना है, ध्यान देना है बात को। इस दोनों में से घटाकर यहां लिखना है, ई दोनों में से घटाकर यहां लिखना है। लेकिन यहां जो मान आएगा वो पहला का मान होगा, और यहां जो मान आएगा वो दूसरा का मान होगा। ध्यान में रहेगा, ठीक है? एक एक बात पर ध्यान देना है। और इतना आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है कि मत पूछिए कि कितना आसान चैप्टर है। बहुत इजी में, इजी वे में बन जाएगा, बहुत आसानी से बनता है। और इसको झूठ मूठ के सभी लोग बहुत पहाड़ समझते रहते हैं, लगता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की बात कह दी गई हो। ऐसा कुछ है नहीं, इसमें बहुत आसान है। दोनों में जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला को घटाकर यहां लिखना है। ई दोनों में जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला को घटाकर यहां लिखना है। यहां जो मान आएगा वो पहला का मान होगा, यहां जो मान आएगा वो दूसरा का मान होगा, और यही दोनों के बीच अनुपात होगा, ठीक है? यही दोनों के बीच अनुपात होगा। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है 75 रुपए प्रति केजी की चाय 90 रुपए प्रति केजी के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, मिश्रण का क्रय मूल्य 80 रुपए प्रति केजी हो जाए। पहला को मिला है, दूसरा को मिला है, आई कुल का मिश्रण है। इसका मतलब है कि पहला का मान 75 है, दूसरा का मान 90 है, औसत है 80। जो कुल का मान होगा, जो कुल का, ये तो 75 रुपए वाला था, ये 90 रुपए वाला था, अब पूरे मिश्रण का मान कितना है, 80 रुपए प्रति केजी। एक बार ध्यान दीजिएगा, इसका क्रय मूल्य है, इसका क्रय मूल्य है, तो इसका भी क्रय मूल्य लिया है ना। ई क्रय मूल्य है, ई क्रय मूल्य है, तो पहला का क्रय मूल्य, दूसरा का क्रय मूल्य, तो औसत क्रय मूल्य ही लिया है। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि औसत का क्रय मूल्य ही लिया है। कभी कभी आपको यहां पर विक्रय मूल्य दे देगा। एनीवे, जब विक्रय मूल्य देगा तो मैं आगे आपको बतलाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे बनता है। तो पहला मान 75, दूसरा मान 90, औसत 80, घटा लीजिए 80 में से 75 गया तो 5। ये दोनों में जो ज्यादा होगा, याद कीजिए ना, याद कीजिए, ऐसा नहीं कि याद कीजिए वो दिन जहिया कुबार रहलू वाला बात नहीं, याद कीजिए कि दोनों में जो ज्यादा होता है उसमें से कम वाला को घटाकर यहां लिखते हैं। कुमार वाला बात याद नहीं करना है। और ये दोनों में से जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला को घटाकर यहां लिखना है ना। एक भोजपुरी में गाना है, याद करो जहिया कुवार रहलू, पिए वास्ते पहले हमार रहलू। वो बात याद नहीं करना है, याद करना है आपको कि दोनों में से जो ज्यादा होगा कम वाला को घटाकर यहां लिखना है। ये दोनों में से जो ज्यादा होगा उसमें से कम वाला को घटाकर यहां लिखना है। तो यहां पे आ जाएगा 5। अभी 5 से 2 बार में कट गया, चूंकि अनुपात में जो भी समान होता है कट जाता है ना, अनुपात में जो भी समान होता है कट जाता है। 5 से दोनों कट रहे तो 5 से काट दिए, तो ये आ गया 2:1 आ गया। अर्थात 75 रुपए वाला अगर 2 भाग है तो 90 रुपए वाला 1 भाग है, ठीक है? समझ में आ गई बात।
कि 75 रुपए वाला अगर दो भाग है तो 90 रुपए वाला एक भाग है। अगर आपको कह दे कि 75 रुपए वाला 150 केजी था, 75 रुपए प्रति केजी वाले, यदि ऐसा कहता तो आगे आएगा इस टाइप का प्रश्न, 75 रुपए प्रति केजी वाला 150 केजी होता तो 90 रुपए प्रति केजी वाला कितना केजी होता। तो 2 यूनिट का मान अगर 150 देता तो 1 यूनिट का मान निकाल लेते 75। हालांकि आपका आंसर यही आ गया, 2:1, बी नंबर। लेकिन अगर ऐसा पूछता, यदि ऐसा कहता तो कि 75 रुपए प्रति केजी वाला 150 केजी है, तो 75 रुपए प्रति केजी वाला का मान 2 भाग आया है, 2 भाग का मान 150 केजी, तो 1 भाग का मान 75, तो 1 भाग का मान 75, 1 के भाग का मान निकालना था 75 केजी, तो 90 रुपए प्रति केजी वाला कितना हो जाता है, 75 केजी। क्लियर है, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इस प्रश्न को देखिए, 12 रुपए प्रति लीटर की दूध में पानी किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का औसत क्रय मूल्य, 12 रुपए प्रति लीटर दूध खरीदा उसमें पानी मिलाया तो मिश्रण का क्रय मूल्य हो गया 8 रुपए प्रति लीटर। ठीक है, अब देखिए पानी है तो जा रहे नदी के किनारे से, उसमें से मिला लिए ना, कल में से चला लिए, इंडा में से, कुआं में से भर लिए, वो मिला दिए ना, तो पानी क्या दूध में पानी मिलाने के लिए हम लोग 20 लड़ी खरीद के मिलाएंगे? नहीं, कहीं से कल में से पानी मिला देंगे ना, तो पानी का मूल्य 0 माना जाता है। पानी का मूल्य क्या माना जाता है, 0। तो दूध है 12 रुपए प्रति लीटर, पानी 0 हो गया, मिश्रण का औसत मूल्य 8 हो गया, घटा लीजिए। समझ में आई बात कि दूध का है 12, पानी 0, क्योंकि पानी तो कहीं से मिला देंगे, बिसलरी खरीद के तो मिलाएंगे नहीं ना, या किनले खरीद के तो मिलाएंगे नहीं, तो इस तरह से आ जाएगा कितना, 8 में से 0 गया 8, 12 में से 8 गया 4, 4 × 8 2:1 में। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, 2:1 हमारा उत्तर हो गया। यदि कहता कि 10 लीटर पानी है तो दूध कितना है, तो 10 × 1 पानी वाला है ना, पानी ई वाला है, तो इसका मान 1 आया है, तो अगर 10 लीटर पानी है तो 1 यूनिट का मान 10, तो 2 यूनिट का मान 10 × 20। ठीक है, तो पानी मिलाने से एक कहावत याद आई कि एक ग्वाला था जो दूध लेके जा रहा था। ठीक है, बारिश की मौसम थी, बारिश के मौसम में वह क्या किया कि उसको दूध कम गया, तो दूध कम गया तो पानी मिला दिया, जो बारिश हो रही थी उसी में से नीचे से लेके मिला दिया, उसमें बेन का बच्चा चला गया। ठीक है, बेन का बच्चा जब चला गया उसमें, तो एक छोटा सा बच्चा दूध लेने आया, तो एक पौवा दूध लिया, एक पौवा दूध था, तो एक पौवा दूध में हुआ क्या कि संयोग से वही बेन का जो बच्चा था, बेंची जिसको बोलते हैं, बेंची, बेन का बच्चा उसके दूध में चला गया। ठीक है, तो अब वो बोलता है कि बेंक के बच्चा बेंची बेंची, तो कहता है चुप चुप, एक पौगा दूध में क्या बेंक के बच्चा नहीं था, हाथी के बच्चा दे दे तुमको। ठीक है, तो वही बात है कि पानी कहां से मिलाएगा, वही उठा के बेंक के बच्चा के सहित। ठीक, तो पानी का मान कितना लेना है, 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 60 रुपए प्रति केजी की चाय को 65 रुपए प्रति केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसे प्रति केजी, 68 रुपए 20 पैसे प्रति केजी बेचने पर 10% का लाभ। अब ध्यान समझिएगा, यहां होगा पहला मान, यहां दूसरा मान, यहां औसत मान, ऐसे घटाएंगे, इन दोनों में से घटाकर यहां लिखेंगे, इन दोनों में से घटाकर यहां लिखेंगे, यही दोनों का रेशियो होगा। लेकिन अगर ई क्रय मूल है, ई क्रय मूल है, तो ई भी क्रय मूल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 60 रुपए प्रति केजी का पहला मान दे दिया, दूसरा मान दे दिया 65 रुपए प्रति केजी का, है ना, लेकिन ई जो दिया 68 रुपया 20 पैसा प्रति केजी बेचने पर। ठीक है, 68 रुपए प्रति केजी बेचने पर, तो पहला मान क्रय मूल दिया, दूसरा मान क्रय मूल दिया, तो ई भी क्रय मूल होना चाहिए।
कितना 10% का लाभ होता है। देखिए लाभ के बारे में हम थोड़ा सा बतला देते हैं कि क्रयमूल बराबर होता है, क्रयमूल बराबर विक्रयमूल अगुने 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, जब लाभ हो तो क्रयमूल बराबर होता है विक्रयमूल गुने 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। तब देखिए अगर हम निकालते हैं क्रयमूल औसत, हम निकालते हैं औसत क्रयमूल, तो 68.20 रुपए प्रति केजी बेचने से 10% का लाभ हुआ। तो जब क्रयमूल हो विक्रयमूल और लाभ परसेंट हो, तो क्रयमूल बराबर विक्रयमूल गुने 100/100 प्लस लाभ परसेंट, तो 100/100 प्लस लाभ परसेंट, तो लाभ है 10, तो 100/10 110। ठीक है, ऐसे हम लोग इसको ऐसे याद करते हैं। हालांकि आप मान लीजिए कोई न्यू स्टूडेंट देख रहे हो तो उनको भी समझ में आना चाहिए, इसीलिए इतना इतनी बात लिखे हैं, और नहीं तो डायरेक्ट हम लिखते 100/110 या 10/11। ठीक, तो 10% लाभ है, तो क्रयमूल होता है विक्रयमूल बराबर 100 गुने विक्रयमूल गुने 100/100 प्लस लाभ परसेंट, तो क्रयमूल बराबर विक्रयमूल गुने 100/100 प्लस 10 110 निकाल लीजिए। दशमलव काटेंगे बटा में 100, 100 से 100 कट गया, शून्य से शून्य कट गया, 11 से इसको काटेंगे 11 66 11 2 22, तो आ गया 62 रुपए प्रति केजी औसत क्रयमूल। तो पहला क्रयमूल कितना दिए हुए था 60, दूसरा कितना है 65, औसत कितना आया 62। निकाल लीजिए मेरे जिगर के टुकड़ों, 62 में से 60 गया 2 आ गया, 65 में से 62 गया 3 आ गया, यही दोनों का रेशियो हो गया। अब मान लीजिए कहता रेशियो पूछ रहा था, अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात आ गया 3:2। लेकिन मान लीजिए कहता कि 60 रुपए प्रति केजी की 120 केजी चाय में, 60 रुपए प्रति केजी की 120 केजी चाय में 65 रुपए प्रति केजी की कितनी चाय मिलाई जाए, तो पहला के मात्रा दे देता तो 3 यूनिट का मान 120 दे देता, तो 3 × 1 यूनिट के मान 40। तो दूसरा के मात्रा पूछ रहा है 65 रुपए वाला के पूछ रहा है, 65 रुपए वाला का मान 2 है, तो 2 यूनिट का मान, तो 2 × 40 40 × 80 केजी हो जाता तब। लेकिन ऐसा कह नहीं रहा है, केवल रेशियो पूछ रहा था, हमारा उत्तर यही आ गया था 3:2। ठीक है, समझ में आई बात, फिर से समझा दे। चलिए फिर से समझिए, पहला मान क्रयमूल दिया, दूसरा मान क्रयमूल दिया, ये विक्रयमूल दे दिया, तो 68 रुपए 20 पैसे प्रति केजी बेचने पर लाभ हुआ है 10% का। देखिए मूल फ्रैक्शन होता है 100/100, अब इसी में जोड़ेंगे या इसी में घटाएंगे, लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे, हानि रहेगा तो घटाएंगे। तो 10% लाभ का फ्रैक्शन, तो 10%, तो 100 प्लस 10 110 बटा 100। अब हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको ऊपर और इसको नीचे लिख सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार इसको ऊपर और इसको नीचे लिख सकते हैं। तो इतना रुपए प्रति केजी बेचने से, 68 रुपए 20 पैसे प्रति केजी बेचने से लाभ हुआ है, मतलब खरीद के लाए होंगे इससे कम में। आप खुद सोच के देखिए कि आप 68 रुपए 20 पैसे बेचे हैं, आपको लाभ हुआ है, तो खरीद के लाए होंगे इससे कम में ना क्या। अब कम करने के लिए, हमेशा कम करने के लिए कम वाला को ऊपर ज्यादा वाला को नीचे रखेंगे, तो 100/110 दशमलव काटेंगे बटा में 100, 100 से 100 कट गया, शून्य से शून्य 11 से कट गया, 11 66 11 2 22, तो औसत क्रयमूल आ गया 62। तो पहला मान दिए हुए था 60, तो पहला मान लिख दिए, दूसरा मान दिए हुए 65, तो 65 लिख दिए, औसत 62 आया तो 62 लिख दिए, 62 में से 60 घटेगा तो 2, 65 में से 62 घटेगा तो 3, 3:2 आ गया, हमारा उत्तर यही आ गया था 3:2। लेकिन यदि ऐसा पूछता कि 60 रुपए प्रति केजी वाला 120 केजी चाय है, तो 65 रुपए प्रति केजी वाला कै केजी होगा, कितना केजी होगा, तो 60 रुपए वाला का कितना मान था 3, और 3 यूनिट के मान 120 केजी कह रहा है, कह रहे हैं कि 3 यूनिट के मान 120 केजी, क्योंकि 60 केजी वाला 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट के मान 120, तो 1 यूनिट के मान 40, तो 65 रुपए वाला का पूछ रहा है, तो 65 रुपए वाला का 2 यूनिट है, तो 1 यूनिट के मान 40, तो 2 यूनिट के मान 40 × 80 केजी, फटाक से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट,
अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कह रहा है 12 रुपए प्रति लीटर की दूध में पानी किस अनुपात में मिलाई जाए ताकि मिश्रण को 13.75 रुपए प्रति लीटर बेचने से 25% का लाभ हो। तो हमारा पहला काम क्या होगा, औसत क्रय मूल्य निकालना, क्योंकि विक्रय मूल्य है कि 12 रुपए प्रति लीटर खरीदा है दूध, अब पानी मिला है तो पानी तो जीरो हो जाएगा ना, पानी जीरो, 13.75 रुपए प्रति लीटर बेचने से उसको लाभ हुआ है तो खरीद के लाया होगा उससे कम में ना, तो 13.75 रुपए प्रति लीटर से 25% का लाभ, 25% लाभ के फ्रैक्शन 125/100, जब इतना रुपए बेचा है तो लाभ हुआ है तो खरीद के लाया होगा इससे कम में, तो कम करने के लिए इसमें से किसको ऊपर रखिएगा, 100 को ऊपर 125 को नीचे, दशमलव काटेंगे बटा में 100, 100 से 100 कट गया 25 से इसको काटेंगे तो 25 पचे 125, तो 137 में से 125 गया तो 7 5 12 बच गया, 12 पर 5 तो 125, तो 25 पचे 125, 5 से 11, तो औसत क्रय मूल्य आपका आ गया 11। तो पहला मान है दूध है 12 रुपए लीटर, अब पानी लेंगे तो पानी जीरो, ये आ गया 11, औसत घटा दीजिए, एक आई 11:11, यही हमारा उत्तर हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी आप इतना प्रैक्टिस कीजिए बढ़िया से, और बार बार कह रहे हैं कि आप जी जान लगा दीजिए, सोइए कम, ज्यादा पढ़िए, अभी अलग दूसरा काम पर ध्यान कम दीजिए, अभी नजदीक में एग्जाम है बहुत सारा, रेलवे का एग्जाम है, इस बार रेलवे पार जरूर करना है, ठीक है, जितना हो सके मेहनत कीजिए, हतोत्साहित मत होइए, करेंट अफेयर पढ़िए, लुसेंट पढ़िए ना, बुक जितना चाट सकिए चाट जाइए, ठीक है, इतने दिन का मेहनत अब रंग लाएगी, यह सोच के दिन रात एक कर दीजिए, कम से कम पढ़िए तब 12 घंटा, 12 घंटा में बाकी सारा काम, 4 घंटा सोने का, 2 घंटा इधर उधर फ्रेश हुए सोने का, कम से कम 12 घंटा पढ़िए, एकदम जी लगा के पढ़ना, एकदम पार कर देना है रेलवे को, रेलवे पार कर देंगे, ठीक, गुमटी उमटी सब तोड़ कर पार हो जाएंगे इस बार, ना कैसे लेगी सरकार, ठीक है, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।